आगामी फिल्मों के बारे में बताइए ना कुछ क्या है। अभी मेरी जस्ट नेक्स्ट फिल्म आने वाली है प्रेम हिंदुस्तानी, जिसे प्रोड्यूस किया है स्मिता जी ने और डायरेक्टर है यशवंत जी। और अभी हमारे साथ कोई भी क्रू मेंबर हैं, पूरी प्रेम हिंदुस्तानी या क्रू मेंबर है। रुकिए रुकिए, हम आज बात कर रहे हैं अपनी आने वाली फिल्म प्रेम हिंदुस्तानी को लेकर, और इसे प्रेजेंट कर रहा है पीएसजे मीडिया विजन और प्रोड्यूस कर रही हैं स्मिता पांडे और डायरेक्टर है मिस्टर यशवंत। और अभी जस्ट वो फिल्म डबिंग उसकी स्टार्ट हुई है और बहुत ही प्रॉपर, पहले एक होता था अपने भोजपुरी को लेकर लोगों ने इतना गलत धारणा बना दी थी कि लोग उससे एक होता ना घृणित भावना से देखने लगे थे। तो हमने कोशिश की है कि एक फिल्म ऐसी हो जो नेचुरल बेस्ड हो, उसकी एक्टिंग नेचुरल हो, उसका एक्टर नेचुरल हो, मतलब कहानी को जैसे आपने नाम सुना प्रेम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का प्रेम कैसा होगा उसके देखते हुए हम काम कर रहे हैं। और ये छोटी सी कोशिश है, देखते हैं सक्सेसफुली रही तो हम ऐसे कई फिल्में बनाने के प्लान में हैं जिसमें हम भोजपुरी को नए आयाम से नए तरीके से दे सकें। बहुत लोग आए भोजपुरी को लेकर जिनका, जैसे कुछ लोगों का तो नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उन लोगों ने कहा भोजपुरी हमारे कंधों पे चल रही है, लेकिन मैंने एक बार सोचा कि नहीं, हम भोजपुरी को एक नए तरीके से करते हैं, एक फिल्म को फिल्म की तरीके से सोचें, थॉट प्रोसेस में लेके आएँ। इसलिए हमने कोशिश की कि एज ए एक्टर हम इसमें काम कर रहे हैं प्रेम के रूप में, और हमारी कंपनी पीएसजे मीडिया विजन को प्रेजेंट कर रही है और स्मिता जी से प्रोड्यूस कर रही है। सर सुनिए कि आपका एक भाभी माँ प्रोजेक्ट भी है जो आने वाला है, कैसा आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? भाभी माँ एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका फर्स्ट शेड्यूल तो मुंबई में कंप्लीट हो गया है, लेकिन ठंड की वजह से हम यूपी में नहीं जा पाए, और वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे काम चल रहा है, वो हिंदी तमिल और भोजपुरी तीनों भाषाओं में है। उसके गाने बनने में अगर आप सोच सकते हैं 9 महीने लग गए हैं, 9 महीने में उसके सॉन्ग बन के रेडी हुए, और बॉलीवुड के सारे बड़े लोग म्यूज़िक डायरेक्टर्स उस पर काम कर रहे हैं और उसे डायरेक्ट कर रहे हैं जयप्रकाश मिश्रा जी, और एज ए प्रोड्यूसर भी हमारी कंपनी प्रत्यूष सुमित जय तीनों ने मिलकर उसे प्रोड्यूस किया है। और उसमें भी मेरे उसमें 2 करेक्टर हैं, राम और लक्ष्मण के, मैं उसमें कर रहा हूँ। और इसके बारे में संगीत कैसा बताना चाहें? कुछ लोग बोलते हैं कि जो है ये अपना भोजपुरी मूवी है भाभी माँ रानी चटर्जी की जी की वजह से, कैसा इसके बारे में क्या कहना चाहें कास्ट के बारे में? ये जो बोलना है लोगों का कि रानी चटर्जी भोजपुरी है तो फिल्म भोजपुरी हो जाती है, तो मुझे लगता है एक्टर किसी भी भाषा में बंधा नहीं होता, कलाकार कभी किसी भाषा का मोहताज नहीं है। तो रानी चटर्जी को जय जी ने इसलिए लिया है कि वो भाभी के रूप में, अगर आप पोस्टर देखेंगे तो अगर देखेंगे कि अगर भाभी के रूप में रानी चटर्जी को हटा के कोई बॉलीवुड की अभिनेत्री को लाना चाहेंगे तो भी वो अच्छी नहीं लग रही। जैसा सुना कि बॉलीवुड के कुछ अभिनेत्रियों को रखा गया था भाभी माँ के रूप में और उनको रिजेक्ट भी किया गया, ऐसा कुछ है क्या? ये हमारे डायरेक्टर की चूज थी, पहले लोग डिसाइडेड भी हो चुके थे काफ़ी लोग, लेकिन अचानक एक रानी हमारे यहाँ आई एक वेब सीरीज को लेकर और जय जी को पसंद आ गई कि हम एज ए भाभी उनको देखते हैं, तो उनका लुक टेस्ट हुआ और अच्छी लगी। और स्मिता जी आप क्या कहना चाहेंगे अपने प्रोड्यूस के बारे में? पहला आपका फर्स्ट प्रोड्यूस है मूवी, इसका अनुभव बारे में बताइए कुछ अपनी मूवी देश प्रेमी के, प्रेम हिंदुस्तानी का। जी प्रेम हिंदुस्तानी, ये मैं पीएसजी मीडिया विजन में एज अ बिजनेस हेड वर्क था। प्रेजेंट टाइम में मुझे अवसर मिला, प्रत्युष मिश्रा जी ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप ही आप प्रोड्यूस कीजिए, और पीएसजी मीडिया विजन एज अ फैमिली मेम्बर हमें काफ़ी सपोर्ट करता रहा है। तो इस प्रेम हिंदुस्तानी को मैंने प्रोड्यूस के लिए मैंने हाथ आगे बढ़ाया, मैं आगे लेके चल सकती हूँ उस चीज़ को। इस कॉन्फिडेंस के लिए प्रत्युष और पीएसजी मीडिया विजन का काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे साथ, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर रहा इस चीज़ को लेके कि एज अ प्रोडक्शन एज अ प्रोड्यूसर, तो उस चीज़ को बेटर मेरा एक्सपीरियंस रहा उस चीज़ को लेकर। सुना है कि पीएसजी मीडिया विजन आपका ये प्रेजेंटेशन कर रही प्रेजेंट्स कर रही है, कैसा है इसके बारे में अनुभव, कैसे आपने किया कि प्रेजेंट करे ये इतनी बड़ी कंपनी और आपके पास आ गया? जी मैं पीएसजी मीडिया विजन है देन मैं, क्योंकि पीएसजी मीडिया विजन से उन्होंने क्या प्रेजेंट करना अलग बात हो गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पीएसजी मीडिया विजन ही मेरा एज अ प्रोड्यूसर ही आए। मैं तो बहुत छोटी मात्रा, मतलब रिशिदा स्मिता पांडे बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन पीएसजी मीडिया विजन ही है देखिए। अच्छा बगल में आपके राइट साइड में प्रत्युष जी हैं, क्या नाम है इनका आप बताना चाहेंगे? मेघा जी, मेघा सक्सेना जी है हमारी भाभी माँ में एक एक्ट कर रही हैं, तो हम चाहते हैं हमारी नेक्स्ट फिल्म हो तो हम मेघा जी भी उसमें हमारे साथ रहें। तो मेघा जी आप कुछ बताना चाहेंगे भाभी माँ के बारे में? फिल्म ले लो बड़ा, हाँ रेडी बताइए। भाभी माँ के बारे में मैं कुछ भी कहने से पहले तो सबसे पहले पीएसजी
जो थ्री मिश्रा ब्रदर्स हैं उनके नाम पे ये प्रोडक्शन हाउस है, उनको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हूँ। उन्होंने आज ये इतना अच्छा एक फ्लोर लिया है जो हमारे सबके आगे बहुत अच्छा काम आने वाला है। और रही बात भाभी माँ के लिए, हाँ मैं उसमें एक नेगेटिव लीड कर रही हूँ, पहली बार मैं इस प्रोडक्शन से उसी में जुड़ी थी, उसके बाद मैंने आगे भी इनके साथ में प्रोजेक्ट्स किए हैं। और मेरे आप सबके लिए वो एक कंपनी होगी लेकिन मेरे लिए वो एक फैमिली है, बहुत सपोर्टिव है, हमेशा सपोर्ट करते हैं, बड़े भाई की तरह भी, एक एम्प्लॉय की तरह भी, प्लस मैं इसमें एक ईपी का भी वर्क कर रही हूँ। बाकी आके देखिए कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। और भाभी माँ एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, प्लीज़ आप सब लोग उसको देखिएगा। एक बहुत प्यारी छोटी सी फैमिली मूवी बनाने की कोशिश की गई है, एक अच्छा उसमें मैसेज है, आप लोग देखेंगे तो आपको पता लगेगा और आई विश आप लोगों को पसंद आएगी। ओके, बगल में आपके रूपा जी हैं, क्या बोलना चाहेंगी मैम? आप काफ़ी दिनों से हैं, जुड़ी हुई हैं पीएसजे मीडिया, कुछ आप अपनी जर्नी बताइएगा। पीएसजे मीडिया विजन के बारे में क्या बताऊँ, ये तीन जो भाई हैं उनका जो प्रोडक्शन हाउस है मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं इनको बहुत सालों से जानती हूँ और देखा इनको ग्रो करते हुए, वो सबसे बड़ी बात है। और एक फोकस माइंड लेकर इन लोग चल रहे हैं, एक जगह पे पहुंचना चाहते हैं, और मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि मुझे साथ में लिया, तो मैं जितना भी मैं सपोर्ट कर सकती हूँ मैं करूँगी, क्योंकि वो देखना चाहती हूँ कि ये कहीं पहुँचे, कहीं मकाम पे पहुँचे, जो ऑलरेडी इनका स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। और प्रार्थना है कि बहुत जल्द पूरा सफल हो जाए जो इन लोग चाहते हैं, और जहाँ तक मेरा साथ रहेगा मैं दे सकती हूँ। मैं आप इसमें किस अपना क्रिएटिव विजन के बारे में बताइए भाभी माँ के प्रोजेक्ट पे। भाभी माँ, जब मैंने सुना, मैं पीएचडी में एज अ क्रिएटिव एडवाइज़र हूँ, और जब सुना इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सिंपल सब्जेक्ट, आज की तारीख में जब भी कोई फिल्म हम देखते हैं वो इतना ढिंचैक और इतना कुछ होता है उसमें कि आपका माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाता है। और ये जो सब्जेक्ट मैंने सुना, ये एकदम पारिवारिक, यू नो, घर के लोग, घर में जो मुझे सच में याद दिलाया, यू नो, पुराने नदिया के पार, या जो पुराने पिक्चर हम बैठ के एकदम अच्छे से देखते थे, प्यार से देखते थे, उस टाइप का सब्जेक्ट है। और मुझे लगता है कि बहुत टाइम के बाद में ऑडियंस को ये सब्जेक्ट पसंद आएगा, क्योंकि एक मतलब एक प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसमें कोई यू नो क्या बोलेंगे, मतलब जिसमें कोई जानबूझ के ज़बरदस्ती कुछ आइटम नहीं दिया गया कि आपको घुसाने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक सब्जेक्ट ऐसा है, फिल्म ऐसे बन रही है कि लोग पक्का दिखेगा। एंड मुझे लगता है कि डायरेक्टर के हिसाब से जयप्रकाश मिश्रा जो डायरेक्ट किया है, जो अभी तक जितना किया है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे लेवल पे लेकर गए। मतलब देख के लगता नहीं है कि फर्स्ट टाइम वो एक फिल्म कर रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे टेक हुआ, इतना अच्छे ढंग से लेकर गए, मुझे लगता कि एक आने वाले जो एक पिक्चर फुल कंप्लीट हो जाएगा उसमें डेफिनेटली सफलता मिलेगी। थैंक यू। और सर एक्टर भी थे, तो ये बहुत अच्छा अनुभव था हम लोगों के लिए, थैंक्स टू पीएसजे मीडिया जो हमको चुना। और स्मिता जी के बारे में क्या बताना चाहोगे आप, एज ए प्रोड्यूसर कैसा रहा अनुभव काम करके? सर मुझे तो कभी लगा नहीं मैम प्रोड्यूसर हैं, मुझे लगा कोई गाइड करने वाला है, मुझे लगा पूरी टीम जैसे लगा मेरी फैमिली है, सर हमेशा गाइड करते हैं, सब लोग बहुत अच्छे। ठीक है सर, कुछ बोलना चाहेंगे प्रोड्यूसर? बस हम चाहते हैं कि आप लोगों से प्यार सपोर्ट बना रहे, हमारी आने वाली फिल्मों को लेकर भी आप इसी तरह से उत्साह बनाए रखिए, एक पॉजिटिव माहौल दीजिए जिससे हम लोग मीडिया में आ सके और अच्छी तरीके से काम कर सकें। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.